हेलो गाइस, मैं हूँ आपके साथ अभिनव। और आज हम पिछले वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अब से आप हर फ्राइडे मेरे नई वीडियो देखेंगे फिजिक्स की, जो कि मैं जुलाई में स्टार्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट वीक में। तो देखिए, हम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n+1 प्लस आयोटा की पावर 2n+2 प्लस आयोटा की पावर 2n+3, वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। और ये हमारे को ऑप्शन गिवन है 0, 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो हम देखेंगे, तो जो इसमें अगर हम एन की वैल्यू को अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज बनेगी, आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3। तो वैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है, अगर इनकी पावर अगर कंसिक्यूटिव टर्म्स में आए तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। वैसे हम इसको पुट करके भी देख सकते हैं, तो हमने आपको बताया वैसे इसका आंसर 0 होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आयोटा किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, और आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा आ जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यही आयोटा, तो ये भी कट के हमारे पास 0 दे देता है। अब हम एन की वैल्यू को 1 पुट करके भी देख सकते हैं कि ये सूट करेगा या नहीं। तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाता है प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5। तो इनका भी सम कंसेक्यूटिव टर्म्स में है, तो इनको भी सम 0 आएगा। फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाता है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये प्लस आयोटा। यहाँ से भी हमारे आंसर 0 आता है, तो इसका राइट आंसर 0 होगा। थैंक यू गाइस।